हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज के वीडियो में, आज के क्लास में प्यारे बच्चों, हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के हॉट टॉपिक में क्या क्या लगा हुआ है, प्रकाश किरण और प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। इन टॉपिक का चर्चा करने से पहले, जो प्यारे बच्चे क्लास में नए होंगे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों, आइए आपके टाइम को ना नुकसान करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो जहाँ तक कि आपको पता चल गया होगा कि आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, आज आपको क्या पढ़ना है, तो आज आपको प्रकाश किरण जानना है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो जानना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले प्रकाश किरण जानेंगे। का हवे प्रकाश किरण भैया, क्यों पूछेस कि का हवे प्रकाश किरण, तो का बताऊ, कुछ मत बताया, क्या करा जाना था? केवल कह जाए कि पारदर्शी माध्यम, अगर पहले वाले क्लास में बताए रहे कि जब प्रकाश, वह माध्यम जिनको प्रकाश पार कर जाए, वो माध्यम जेके प्रकाश पार कर जाए वो पारदर्शी माध्यम कहलाता है। तो उही प्रकार भैया, जब प्रकाश किरण जो है किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोनो प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम से गुजरत है, तो गुजरने के बाद जो वो पथ को अपनाती है, जो पथ को अपनाती है ना, वह पथ का कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। फिर से बता रहे हैं, जैसे आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये हो गया कांच का टुकड़ा, कांच का ये अंदर कांच है भैया। चलो, जब ये कोई प्रकाश चली वायु में से चलते हुए जब आई ना, तो वायु भी एक माध्यम है, तो वायु में चलने के बाद ये जो प्रकाश ये पथ को अपना रही है, यही पथ का कहलाती है, प्रकाश किरण कहलाती है। क्या कहलाती? प्रकाश किरण। ए भैया, क्या बताया है कि जब कोनो प्रकाश कोनो भी माध्यम में चले, अब जैसे कांच में प्रवेश किए, तो कांच में प्रवेश करने के बाद जो है ये ऐसे चलने लगेगी, क्या करेगी, चलने के लिए जिन पथ को अपनाई, यही पथ का कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। क्या समझे आप यही समझे होंगे कि जब कोई प्रकाश किरण, सॉरी, जब कोई प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है या किसी पारदर्शी माध्यम में चलती है, तो चलने के बाद वो जिस पथ को अपनाती है वही क्या कहलाती है, प्रकाश किरण कहलाती है। का हो ए भैया, देखा, प्रकाश जब वायु में चलत रहन तो प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। प्रकाश कांच में चल रहा है तो प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जरूर आप समझ लीजिएगा। आप थोड़ा सा अगर एकाक दो एग्जाम्पल लेना चाहते हैं प्रकाश और प्रकाश किरण क्या होता है, तो जरूर आपकी चीजें, आपकी ये डाउट क्लियर कर सकते हैं कि प्रकाश और प्रकाश किरण में बहुत अंतर होता है। प्रकाश और प्रकाश किरण, प्रकाश और प्रकाश किरण क्या होता है, एक मिनट के लिए समझिएगा। आपने कैंडल देखा होगा, क्या देखा होगा, कैंडल। तो कैंडल से जो प्रकाश निकलता है, ये कैंडल हो गए, मोमबत्ती जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, मोमबत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मोमबत्ती। अब ध्यान से समझा, जब मोमबत्ती जलत है तो क्यों ना कहत होगा कि मोमबत्ती से प्रकाश किरण निकलता, क्यों कहत है, सब ये कहा मोमबत्ती से प्रकाश निकल रहा है। चला मोमबत्ती छोड़ दे, सूर्य देखे है, एस यू एन, जेके कहते हैं सूरज, सूर्य भगवान, ये हो गए भैया सन, क्या हो गए सन, चलो सन बना दिए, ऐसे बंत गए टेढ़े मेढ़े। अब क्या होता है, कोई कहते होगा कि सूरज से प्रकाश आ रहा है, अरे कोई नहीं कहोगे, कोई नहीं कहता, जो साइंस पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, सब कहेंगे सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको पहले ही बताया गया साइंस प्रकाश किरण किसे कहते हैं। अरे भाई साहब, इनसे निकलने वाला प्रकाश प्रकाश किरण कहला रहा, और ये मोमबत्तियाँ से निकलने वाला प्रकाश जो है प्रकाश किरण नहीं कहला, क्यों, क्यों, क्योंकि इनसे निकलने वाला प्रकाश एक निश्चित दिशा में नहीं जा रहा है, ये चारों ओर फैल रहे हैं। देखिए, मोमबत्ती से निकलने वाला प्रकाश चारों तरफ फैलता है, यानी जब प्रकाश एक निश्चित दिशा में गमन करता है तो वो प्रकाश प्रकाश किरण कहलाता है। अब आप तुरंत पूछोगे कि सर जी, सूरज से आने वाला जो प्रकाश होता है वो भी तो चारों धरती के चारों ओर फैल जाता है। प्यारे बच्चों, वो धरती पर ही फैलता है, सभी सूर्य की प्रकाश जो होती है वो धरती की ही ओर आती है, तो एक निश्चित दिशा में आ रही है ना, तो एक निश्चित दिशा में आ रही है तो प्रकाश नहीं प्रकाश किरण कहलाएगा। यानी ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि जब प्रकाश एक दिशा में गमन करता है, एक निश्चित दिशा में चलने लगता है, तो निश्चित दिशा में चलने के दौरान जो पथ अपनाता है वही पथ क्या कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, तो आइए हम लिख लेते हैं प्रकाश किरण का होता है। समझ में आया भैया, का समझे आप,
बता दीजिएगा प्रकाश किरण, प्रकाश के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं, तो लिखें क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश, जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, तो वह जिस पथ को अपनाता है वही पथ ही प्रकाश किरण कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक, आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। इसी में हम लोग दूसरी समझ लेते हैं, प्रकाश किरण पुंज, किरण पुंज। ए भैया, बाबू साहब, सॉरी, ए भैया ये जानते हो, ये जो पुंज होता है, पुंज का मतलब होता है समूह, पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। समूह मतलब जहाँ कई जने गोलियाई जाए, कई जने इकट्ठा हो जाए, वह क्या कहलाता है? समूह कहलाता है ना। तो भैया प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी जहाँ कई प्रकाश किरणें इकट्ठा हों, वो क्या कहलाती हैं भैया? प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। इतने लिख सकते हैं ना भैया, क्या लिखब? प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये बातें जरा सा समझ में आई हो तो बताइएगा जरा सा, क्या प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं जानते? तीन ठो होते हैं। तीन प्रकार के, एक अभिसारी, एक अपसारी, एक समांतर। एक अभिसारी, एक अपसारी, एक समांतर, कितने प्रकार के हो गए? अरे बोलो जी, कितने प्रकार के हो गए? ये तीन प्रकार के होते। चलो, इनके तीन बेटवा बारह हैं, एक के अभिसारी, एक के अपसारी, एक के समांतर। ये भैया पहला कौन हो गए? अभिसारी। क्या हो गए? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ए भैया जरा सा थोड़ा सा जगह की कमी है, तो इनको हम क्या करते हैं? सही सही से लिखते हैं। ये कितने प्रकार के हो गए जानते हैं? तीन प्रकार के। सबसे पहला अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। कौन सा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और दूसरा क्या होता है जानते हैं? दूसरा होता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी। दूसरा होता है अपसारी, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक बा भैया हो। और तीसरा होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। कौन सा? समांतर प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। ए भैया का समांतर प्रकाश किरण पुंज। कौन से? अभिसारी अपसारी समांतर, और अभिसारी अपसारी समांतर। प्यारे बच्चों आइए इनको समझते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, और समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। प्यारे बच्चों तो जरा सा समझिएगा, एक मिनट के लिए हम आपको डायग्राम इनका समझा देते हैं, फिर आप जरूर समझ जाएंगे कि अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है। प्यारे बच्चों प्रकाश किरण का वह समूह, प्रकाश किरणों का वह समूह जहाँ पर सभी प्रकाश किरणें क्या होती हैं? जाके मिलती हैं। जहाँ पर सभी प्रकाश किरणें क्या होती हैं? जाके मिलती हैं, वो समूह क्या कहलाता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। देखिए
प्रकाश किरणों का वह समूह जहाँ पर सभी प्रकाश किरणें, एक नहीं सभी प्रकाश किरणें का होती हैं जाके मिल जाती हैं, वो कौन सा पुंज कहलाता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। ये देखिए, ये पहला प्रकाश किरण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, देख रहे हैं, छवो प्रकाश किरण जहाँ जाके मिल जाए वो का कहलाए? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा। यानी ये जो बिंदु ओ है ना ये क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा। यानी भैया जहाँ ऐसा समूह जहाँ पर सभी प्रकाश किरणें जाके मिल जाए वो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। यानी कुल भैया चाहे भेड़न की ना चाहे जैसे जात रहें और एक बिंदु पे जाए के का हो जाए मिल जाए वो का कहलाता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। ये बातें समझ में आई भैया? क्या लिख देते हैं? परिभाषा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? परिभाषा। ए भैया परिभाषा का लिखोगे? चलो तैयार करो जरा सा। प्रकाश किरणों का वह समूह, प्रकाश किरणों का वह समूह, क्या भैया? प्रकाश किरणों का वह समूह जहां पर सभी प्रकाश किरणें जाके मिलती हैं, क्या होता है? जहां पर सभी प्रकाश किरणें, क्या भैया? सभी प्रकाश किरणें जाकर मिलती हैं, सभी प्रकाश किरणें जाकर मिल जाती हैं, सभी प्रकाश किरणें जाकर मिलती हैं, क्या कहलाता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। ये हो गए प्यारे बच्चों इस प्रकार। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपसारी प्रकाश किरण पुंज के बारे में। ते भैया प्रकाश अपसारी का मतलब होते हैं ना जहाँ से कुल जने निकलत हो, जहाँ से कुल जने का हो निकलत हो वो का कहलाई? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाए। का कहलाए भैया? अपसारी। यानी है देख हेर ये देख एक बिंदु हो गया, ठीक बा, यहाँ से कुल प्रकाश किरण कहाँ निकलत है? बाहर की तरफ निकलत है। यहाँ देख अरे देख ये क्या हो रही है, यहाँ से सभी प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो ये कौन सा कहलाएगा? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा। ए भैया देखो, ये देखो जो ये पी है ना ये अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा। काही क्योंकि यहाँ से कुल प्रकाश किरण का होता बाहर की तरफ निकलता, समझे? यानी प्रकाश किरणों का वह समूह, प्रकाश किरणों का वह समूह जहाँ से सभी प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकलती हो वो का कहलाता है? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। तो लिखो, क्या लिखोगे? प्रकाश किरणों का वह समूह, प्रकाश किरणों का वह समूह जहाँ पर सभी प्रकाश किरणों का वह समूह जहां से सभी प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकलती हैं क्या कहलाता है? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। ए भैया अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। चल यह समझ में आई। आओ भैया अरे तीसरा का भैया? समांतर प्रकाश किरण पुंज। का भैया? समांतर प्रकाश किरण पुंज। ए भैया समांतर प्रकाश किरण पुंज का हो तो ऐसी प्रकाश किरणें जो कभी न मिले बेचारे, इन्हें चलत रहा है कोसो मीलो दूर चलती जाएंगी, साथ साथ चलेंगी पर एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी,
कभी एक दूसरे से मिलने वाली नहीं। जैसे ये देखो, अगर इन दोनों मार्कर को हम ऐसे रख दें और लेके ऐसे बढ़ते चले जाए, लेके बढ़ते चले जाते, कहीं जाके मिलेंगी का नहीं। ये दोनों कहाँ हैं, समांतर हैं। यानी ये बात समझ आई कि भैया ऐसी प्रकाश किरणें जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी बेचारी, चाहे जितना दूर चलती जाए, चाहे जितना दूर चलत जा, कब हम मिली ही न, वो क्या कहलाती हैं, समांतर प्रकाश किरणें कहलाती हैं। ऐसे समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ए भैया एक का क्षेत्र कैसे बने हो, अरे देखो भैया, एक प्रकाश किरण रच किन की दूर करें, एक प्रकाश किरण, दुई प्रकाश किरण, तीन ठे, चार, पाँच। अब बता का हम पांचों मिली ही का, आगे चाहे जितना पढ़ाई ले जाए, मिले का मिलेगा नहीं। तो इन इन समूह को, इनके समूह को क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहीं का, कहीं समांतर प्रकाश किरण पुंज। यानी प्रकाश किरणों का वह समूह जो एक दूसरे से कभी, एक दूसरे को कभी काटती ना हो, एक दूसरे से कभी मिलती ना हो, का कहलाते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। तो लिखेंगे का, लिखेंगे भैया, प्रकाश किरणों का वह समूह, प्रकाश किरणों का वह समूह जो कभी, जो एक दूसरे को, जो एक दूसरे को कभी, एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, कभी मिलती ना हो, कभी मिलती ना हो, कभी मिलती ना हो, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। का भैया, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। ये बातें क्लियर हो गई, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों। तब तक हम बगल हो जाते हैं जरा सा, तो स्क्रीनशॉट तो ले चुके होंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज के बच्चे बहुत फास्ट हैं, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े फास्ट रूप से। ये स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेने से और गैलरी में रखने से आपकी तैयारी नहीं होगी प्यारे बच्चों। आप एक एक दिन के लेक्चर को आप नोट्स बनाइए इसको, और नोट्स बनाने के बाद अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और प्रिपेयर करने के बाद प्यारे बच्चों आप इसको क्लास में कहीं भी, बोर्ड, आपको क्लास में नहीं, आपको बोर्ड में 90% 90+% टारगेट बनाइए। और प्यारे बच्चों, ये टॉप 10 क्लासेस की तरफ से आपसे एक वादा है कि आपका 90% ज़रूर आएगा, पर जब 90% लगे रहोगे तब